देश के हर गांव तक बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना शुरू की है। इन दोनों योजनाओं से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ हो रहा है। हमारे लखनऊ संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वो गांव जो आजादी के बाद से ही अंधेरे में थे, वहां आज केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली पहुंच चुकी है। हरदोई जिले के ततौरा गांव के कई मजरों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के जरिए पहली बार गरीबों के घरों में बिजली की रोशनी पहुंची। गांव के निवासी रामकुमार ने बताया, फ्री कनेक्शन मिला है, इससे बहुत लाभ है, मतलब पढ़ने लिखने के लिए, रसोई और खाना बनाने के लिए। गांव की ही निवासी फूलमती कहती हैं कि न केवल बिजली आने से उनका जीवन आसान हुआ बल्कि मिट्टी तेल का खर्च भी बचा। पहले अंधेरे में भी खाना बनाते रहे, अब बत्ती के खाना बनाया जाते, पढ़ने में बच्चों को सुविधा है और मट्टी तेल की जरूरत नहीं है। सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश में लाखों गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत संभल के सुल्तानपुर गांव के दिलशाद को बिजली का कनेक्शन मिला। उन्होंने आकाशवाणी को बताया, पहले लाइट नहीं थी तो बड़ी मुश्किल आती थी और अब उजाला हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदेश में केंद्र सरकार की इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाखों गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन मिले हैं और उनकी जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।